रंजीशन घर के अंदर घुसकर एक परिवार के सदस्यों पर किया गया हमला, माँ बाप बेटा गंभीर रूप से हुए घायल। आपको बता दें कि जब एक ही मामले को लेकर कई बार पुलिस से शिकायत की जाती है और पुलिस के द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, इसके बाद घटना को अंजाम देने वालों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला आज मऊरानीपुर के मोहल्ला शिवगंज में देखने को मिला, जहां रहने वाले विक्की आर्यपुत्र परमानंद ने मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनसे रंजिश रखने वाले लोगों के द्वारा 1 जुलाई में मारपीट की गई। उसके बाद 12 नवम्बर को, आज 15 नवम्बर को एक बार फिर घर में घुसकर मारपीट की गई। पीड़ित विक्की ने बताया कि आज घर में घुसकर 4-5 लोगों के द्वारा उस परिवार पर हमला किया गया, जिसमें उसकी मां और पिता को गंभीर रूप से चोट आई है, जिसमें पिता बेहोश भी हो गए। तो वहीं मामले की जानकारी पीड़ित पक्ष के द्वारा कोतवाली पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस ने घायलों को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर पहुँचाया, जहाँ पर चिकित्सकों के द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया गया। आपको बता दें कि उक्त घटना से ये साबित हो रहा है कि अगर पुलिस समय रहते सख्त कार्रवाई कर देती तो जिन लोगों ने पहले 2 बार हमला किया था, आज वह इस तरह की घटना को अंजाम न देते। कहीं ना कहीं पुलिस के सुस्त रवैये से आज एक बार फिर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। संवाददाता पपेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई आपका? कहाँ के निवासी हो? क्या घटना हुई आज आपके साथ? आज पहले घटना हुई थी, घर में घुस के मारा था जब, और अभी पापा को मारा था दिवाली वाले दिन, और आज घर में घुस के मारा फिर से। किन किन लोगों ने मारा? धर्मेंद्र, कनई, सुरेंद्र, संजू, किशोरी। कहाँ के निवासी हैं? पुरानी हो गए। किस वजह के कारण मारा इन लोगों ने? पुरानी रंजस लगाने के लिए। तो कितने लोग घायल हुए आपके? हमारे 4 लोग घायल हुए। चोटें कहाँ आई आप लोगों को? कहीं चोट आई है शरीर में? पापा को आई है सिर में, हमें सिर में आई है, हमारा मुंह टूटा है, हमें हाथ पाँव में चोट है, और घर वालों को चोट है। पापा बेहोश डरे हुए हैं। पुलिस गई आपके यहाँ कि नहीं गई? अभी नहीं पहुँची पुलिस। उसके पहले जो मारपीट भाई, उसमें कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई, बस ऐसी सुनाई हुई थी थोड़ी बहुत। आपको न्याय नहीं मिला? न्याय नहीं मिला अभी। अभी कहाँ आए हो आप? थाने मऊरानीपुर। क्या चाहते हो आप? न्याय चाहते हैं। हाथ में होगा कि घर में बेटा।